हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी टू चेंज। लास्ट वीडियो जो डाली थी हमने, उसमें कोस्टल रोड की डाली थी, जो कि हम आपको दिखा नहीं पाए थे। टाइमिंग का प्रॉब्लम था उसको, हमको मालूम भी नहीं था कि इसमें टाइमिंग का प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम फिर जाएंगे और आपको वहाँ का सी टनल दिखाएंगे। तो आज मेरे साथ में नाजिम भाई। मुंबई की नॉर्मल प्रॉब्लम, मतलब बेसिक प्रॉब्लम जो है ट्रैफिक की, खड़े हम लोग फिर ट्रैफिक में, जो कि हमने बताया था आपको फर्स्ट ब्लॉग में। सबसे बड़ी फेमस इसीलिए वड़ा पाव और उसके ट्रैफिक क्या। अब तो आदत सी हो रही है कि ट्रैफिक की भी और वड़ा पाव की है। हाँ। और ये बहुत सी चीजों की है। सही पकड़े। तो गाइस ये देखो, सस्ता हावड़ा ब्रिज आ रहा है बंगाल का। देखो अजीम भाई कैसा लग रहा है अभी हम जा रहे हैं? एक्साइटेड कुछ? एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट तो है। क्या आते हैं अंडरग्राउंड सी टनल, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम देखते हैं मच्छी अच्छी मिलती है कि नहीं मिलती। मिलना ही चाहिए वैसे। मिलना चाहिए। कोई रहेगा फिर तभी कर ले, कलर लगा ले, रहेगा तो कौवे। तुम लोग मुझे कौवा बोल, बात कलर की वही नहीं रहती, बात तो आवाज की हो रही थी। तो आवाज कौवे की खराब है? मुनासिब फान गाइस, आप लोग सब्सक्राइब कर दो गाइस। कौवा बना दिया इन लोगों ने। अब अच्छा वो मोर नहीं बनाया, मार मार के मोर बन जाता। गाइस सामने जो है ना फॉर्चुनर जा रही है, फॉर्चुनर टोयोटा की है, बट इसमें इतनी मजबूती नहीं है जो मजबूती टाटा नेक्सॉन में है। टाटा नेक्सॉन का और इसका अगर वो कराया जाए ना, क्या बोलते हैं उसको, कंपैरिजन नहीं, वो ठोकने का जो होता है कंपटीशन, कंपटीशन कर जाए, वो किया जाए क्या? रास्ते में कंफ्यूज है, हुए लेफ्ट या राइट या स्ट्रेट समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, जो कि पहली बार हम लोग भी जा चुके हैं उसके बाद भी कंफ्यूज हो गए। हां सेकंड टाइम जा रहे हैं, ये भी तो ये हाल है हम लोग का। फर्स्ट टाइम गए थे तो अच्छे से चले गए थे, मगर सेकंड टाइम भी जो है ना नाजिम आया ही कंफ्यूज कर रहा है ज़्यादा। तो अभी रास्ता भूल चुके हैं, भूल चुके हैं, और अभी मैप हम लोग घुमा रहे हैं बस, खाली बस घुमा, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, बस डिस्को डांस कर रहा है मैप हम लोग गूगल में। ये भी वो सब नाजिम की वजह से हो रहा है, मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तुमको लगाना नहीं आया मैप, गलती तुम्हारी। मैप तो तुमने लगाया था ना? मैप तो सही लगाया मैंने। क्या हुआ था? मैप किसने लगाया? कोस्टल रोड के लगा दिया, ऐसा लगता है आज अली के लगा दिया मैंने। वर्ली सीपीएस का लगाया इसने। हां तो भाई ने बोला वर्ली सीपीएस का लगा, तो वर्ली सीपीएस का लगाया मैंने। तो अभी हम लोग कोस्टल रोड के एंट्रेंस पर खड़े हैं, यहां पे सिग्नल है, तो सिग्नल होगा, सिग्नल ग्रीन होगा तो हम लोग जाएंगे और आपको दिखाते हैं वहां पे चल के। ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, दो सिग्नल निकल रहा है। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से रिटर्न गए थे तो ये गाइस अभी हम लोग ने लेफ्ट लिया है और हमने एंट्री की है कोस्टल रोड के लिए। एंड ये है वे, यहाँ से हम लोग कोस्टल रोड में जाएंगे। गाइस पूरा रोड खाली है, इस रोड पे सिर्फ हम ही लोग हैं। अब मजा आ रहा है कार चलाने में, कोई नहीं, और इस पे जो है लिमिट भी है, लिमिट है 60 की है, 80 की है, 80 की लिमिट है गाइस। अभी हम लोगों ने स्पोर्ट्स मोड डाला है, स्पेस स्पोर्ट मोड डाला है और चेक करते हैं अपनी गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़िया मजा आएगा। एंड मैं भी ड्राइव चेक करके मैं चालू कर देखो, अभी 80 पे चल रहा है, पता भी और अभी 80 पे स्पीड चल रही है गाड़ी, और इसमें अंदर ऐसा लगा नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है, अपने 20 या 30 चला दे नॉर्मल इस रोड पे, ऐसा लग रहा है हमारा। गाइस क्या बनाए हैं यार, लेफ्ट साइड में बस के लिए भी बनाया, बस लेन हां, हमारे इस पे इसमें बाइक अलाउड नहीं है, बाइक अलाउड, बाइक अलाउड भी नहीं है, ट्रक भी अलाउड नहीं है, सिर्फ इसमें कार एंड BST की बस अलाउड है। और बाकी इसमें मैंने इसमें पकड़ा तो भाई लगा, अभी लगाया और लोगों ने खर्चा किया तो जा रहे हैं। उससे पहले तो हम लोग कह रहे थे हमारा टैक्स का पैसा सब बस बेकार गया पानी में, पर यहाँ आने के बाद लगा कि भाई अच्छी जगह लगाए और कुछ बनाया इन लोगों ने पैसे का। अभी तो खाली सिर्फ रोड पे हम लोग, मेन रोड है, मतलब ये एंट्रेंस वाला रोड है, अभी कोस्टल रोड मतलब सी टनल जो है अभी आप ही, वहाँ पर हम लोग पहुंचे नहीं है, जब वहाँ पहुंचेंगे और आपको दिखाते हैं। और भाई कंफ्यूज है स्पोर्ट मोड में चलाने की बात कर रहे हैं, मतलब इतना गाड़ी इतना स्लो चल रही है, स्लो चल रही है, बट नॉर्मली स्पीड इसकी 80 है, अभी 80 में चल रही है। राइट साइड में सी है, पानी ये मुंबई का ये व्यू आपको किधर से भी नहीं मिलेगा, ये वाला व्यू सिर्फ यहीं पे आके देखने को मिलेगा आपको भाई, वर्थ इट है भाई।
यहाँ पर आना वर्थ इट है, इतना टाइम, इतना टाइम क्या लगता है, टाइम और कॉस्ट सब अपना पैसा वसूल है। हां बढ़िया, एकदम खाली रूट मिल जाए तो मजा तो आती आती है ड्राइविंग करने में। कोई कार नहीं ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे, हम ही लोग सिर्फ, हम लोग इतना टाइमिंग से आए ना, हम लोग को पता था कि 5 बजे बंद हो जाएगा, इसलिए हम लोग टाइमिंग से निकले थे। और अभी इस टाइम कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं, आगे भी कोई कार नहीं, पीछे भी कोई कार नहीं है। और गाइस राइट साइड में आप देख सकते हैं कि हाजी अली दरगाह भी यहाँ से दिख रही है, यहाँ से दिख रही है, जो कि हम आपको जूम करके दिखाएंगे थोड़ा। ये दो रास्ता इतना क्लियर मुंबई के अंदर तो कहीं मिलने वाला है नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस पिछले 5 मिनट से मुझे लगता है कि हम लोग 80 की स्पीड पे चल रहे हैं, मतलब बहुत ही मिनिमल ट्रैफिक है, बस मजा ही है। मतलब मुंबई में ऐसा रोड मिल रहा है, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है इंडिया के मुंबई में, अपने इंडिया में कोई मुंबई में, मतलब मुंबई जैसे शहर में इतना ट्रैफिक और यहाँ एकदम स्मूथली जा रहे हैं, कंटिन्यू 5 मिनट से हम लोग चल रहे हैं और कोई भी गाड़ी नहीं है। तो अभी कुछ गाड़ियाँ अभी आई हैं सामने, जो कि लेफ्ट कनेक्टर से आई है, लेफ्ट साइड से जो है, और बाकी तो 5 मिनट से कंटिन्यू हम ही लोग थे, सिर्फ आगे पीछे कोई भी नहीं था, हम लोग की गाड़ी थी। और ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग मुंबई में, इतना फ्री भी था। एक एग्जिट नरिमन पॉइंट ऑफ मंत्रालय के लिए एकदम सीधा सीधा। अभी आई थिंक वो टनल स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए तो गाइस अभी जो है टनल स्टार्ट होने वाला, जिसके लिए हम सब लोग एक्साइटेड हैं और आप लोग भी एक्साइटेड हैं। ट्रेन से अब यहाँ से स्टार्ट हो गया यार, बहुत बढ़िया मस्त है, क्या बना है भाई, क्या मस्त लग रहा है, टनल के अंदर जा रहे हैं, वो भी सी टनल के अंदर। स्टार्टिंग में कवर रखा था कि बारिश में नहीं करनी आने दी। स्पीड लिमिट जो है 60 की है, हम और स्लो ही जाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं सब कुछ देख, और हमको देखना है भाई, तो हम तो मैं तो बोलता हूँ और स्लो करो। इसमें और टनल के अंदर चल रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग सीलिंग के टनल के अंदर चल रहे हैं, ऐसा नॉर्मल जो टनल रहता है ऐसा लग रहा है। क्या बोले अभी, बोलने नहीं हो रहा, मूवीज में देखते हैं टनल के बारे में, सेम आते हैं अंडरग्राउंड टनल में वो ड्राइविंग सीन चलते हैं, चीजिंग सीन होता है, सेम ऐसी की वैसी फीलिंग आ रही, एकदम बढ़िया मजा आ रहा है। बट अगर लोग और स्पीड लिमिट और थोड़ा बढ़ाएंगे ना, बढ़ाते तो और मजा आता है स्पोर्ट मोड में चलाने में। और ये इसके हिल के नीचे है, इसके ऊपर भी कम से कम ऐसा मान के चलो 10-12 फ्लोर की ऊंचाई है लैंड, अपने लोग इतना अंदर है, इतना अंदर। ओ भाई, मगर भाई मैं ये बोल के मेरे को लगता है कि भाई इंडिया तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है, ये देख के लग ही नहीं रहा है अपने लोग इंडिया में घूम रहे हैं, ऐसा मतलब पूरा आउट ऑफ कंट्री वाली फीलिंग आ रही है। और गाइस ये ध्यान रखना है कि आप अगर ऐसी जगह कहीं पर भी आते हैं तो कचरा नहीं करना, साफ सफाई का आपको पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि हम लोग ही साफ सफाई रखेंगे यहाँ पे तभी साफ रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमारे हम लोग की जिम्मेदारी है सब कुछ करना। और यार गाइस गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है हम सबके लिए, तो इतना हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग साफ सफाई की जिम्मेदारी रखें, साफ रहेगा तभी क्लीन दिखेगा ना। और क्या मस्त बना है यार नाजिम भाई, बोलने के लिए अपने समंदर के अंदर चल रहे भाई, और अपने को फील नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये ऐसा लग रहा है नॉर्मली रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, टनल आ गया उसमें। और मैं तो बोलता मेरे को आई थिंक मेरे हिसाब से ना थोड़ा कांच लगाना चाहिए था यहाँ पे, समुंदर देखना चाहिए था, ठीक है इतना भी कर, बड़ी कितना मेरे को लगता है काफी टाइम आप लोगों को 5 मिनट हो गए इसके अंदर चलते हुए टनल के, अपन स्लो जा रहे हैं और स्लो भी जा रहे हैं, बाकी गाड़ियां तो फास्ट चल रही हैं, हम लोग स्लो जा रहे हैं कि हम लोग को भाई ब्लॉग आपको दिखाना है आपको सब एक तरफ से। इसमें ना बीच बीच में ये लाइन जो है ना बस की लाइन, ये इमरजेंसी लाइन पार्किंग भी है, अगर गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती है अच्छा तो पार्क कर सकते हो साइड। ओके, दूसरा SOS के लिए इन्होंने साइड में हर देखो थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखा हुआ है, फोन के लिए या फिर फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे कुछ। हाँ, बाकी मतलब फैसिलिटी हम सब चीज का इन लोगों ने ख्याल रखा है, ख्याल रखा है। और टनल के स्टार्टिंग में टो करने वाली गाड़ी खड़ी थी, कुछ दिक्कत हो जाए इमीडिएटली आ जाए भाई, फाइनली हम लोग अभी एग्जिट होने वाले हैं, तो अभी हम लोग एग्जिट करने वाले हैं टनल। ये एग्जिट गेट है अपना, ये एग्जैक्टली नरीमन पॉइंट, नरीमन पॉइंट पे निकले हैं, नरीमन मंत्रालय की तरफ। कोई भी मुंबई में नया है ना, अगर कोई मुंबई में नया है ना तो वो कोस्टल रोड तो जरूर आओ भाई, आओ जरूर आओ भाई, हम लोग को डालो अपने लोकेशन पे घूमने। वाह, अभी हम लोग पहुंचे हैं नरीमन पॉइंट,
आप ये बताएं आपको हमारे साथ कैसी लग रही जर्नी और जो अभी सब कुछ घूमे हैं आप लोग। सो गाइस मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, ये व्लॉग से पहले जब इन्होंने व्लॉग स्टार्ट किया था तो मेरे एग्जाम चल रहे थे, तो मैं एग्जाम में बिजी था। उसके बाद मैं पर्सनली ऐसा बनता हूँ, फ्रेंकली बोलूँ तो, कि मुझे घर में रहना ही पसंद है, मेरे को ट्रैवल व्रैवल इतना पसंद नहीं है। बट अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं पता बहुत टाइम मेरी पैदाइश मुंबई में मैं बॉर्न हूँ और तो भी मैंने मुंबई को इतने अच्छे से जाना नहीं है ना देखा है, और मतलब मैं ज़्यादा टाइम घर पर ही रहना पसंद करता हूँ। बट अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर तो भाई पता चल रहा है कि भाई मुंबई बहुत डेवलप्ड हो चुकी है और बहुत मज़ा आ रहा है भाई ट्रैवलिंग करने में मेरे को। और ओवरऑल एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ भाई मस्त ऑसम एक्सपीरियंस था भाई। थैंक यू। हाँ थैंक यू, और ऐसी व्लॉग में बने रहिए। गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो कमेंट्स करो लाइक करो शेयर करो और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। हाँ। और आप इसी तरह आप लोग बने रहे हमारे चैनल पे और आप लोग को एंटरटेन करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।